क्या बोलती पब्लिक, जाएंगे जाएंगे मगर तो ये है भाई स्कूल का वर्ड। और ये जो रूम होता ना बच्चों के लिए, देखो ये टेबल और यहाँ पे करके तुमने कैंपिंग टेबल साइड में करा, इनको वहीं पे कर देंगे जहाँ पे रखे हुए थे। अपना कैंप हटा कर सुबह सुबह जल्दी उठ गए भाई, क्योंकि फिर बच्चों के टाइम हो जाएगा आने का। और ये सारा अपना सामान रखा हुआ इधर, वहाँ पे जो बाबा है ना चौकीदार यहाँ के, वो वहाँ से हो रहे थे और अभी आ चुके हैं वो। तो अपना सेटअप जो लगा रखा था उसको करते पैक। भाई कितना सारा सामान रखा सारी टेबलों पर, देखो हमने इसको कमरा रूम ही बना दिया एकदम यार घर वाला। और ये है बाहर से स्कूल, तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं कोई नई वीडियो के साथ। जय भोले बोल दे जरता है, जय शंकर। तो भाई अभी बस निकल रहे स्कूल से, सबकी साइकिल रेडी हो चुकी है, उधर रेडी होके सबकी साइकिल खड़ी है, बस निकलने वाले हैं। और भाई प्लान ये है कि नेपाल जाने का प्लान बन रहा कि एक नाइट तो नेपाल में रुक के आए, अगर ना भी रुकने का बना तो मतलब देख के तो आ जाए। तो यहाँ से जो नज़दीक में है वो है विराट नगर, तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। भाई नेपाल में अपन दूसरे देश में एंट्री होने की खुशी होती है ना, वो अलग ही रहेगी। बस एंट्री मिल जाए, क्या पता एंट्री भी ना मिले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार होने को। ये भाई ये बड़े मस्त है, ये सही है। डॉक्टर साहब इनकी क्लास ले रहे सबकी, इधर आओ चलो चल तुम भी इधर आ। क्या बोलती पब्लिक, जाएंगे जाएंगे मगर एंट्री मिल गई। तो ये है देखो भारत नेपाल ICP जो 9 किलोमीटर है और जोग बनी है 10 किलोमीटर। भाई ये जो हाईवे है ये अलग ही जा रखा है, क्योंकि फॉरबसगंज वाला जो हाईवे था वो सीधा था, ये लेफ्ट साइड में कट गया है। तो हम भी आ गए इधर और जाना है नेपाल, क्योंकि यार अगर आए हैं पास में है यहाँ से तकरीबन 9-10 किलोमीटर यार, फिर बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो हमने सोचा कि यार दूसरे देश में 1-2 दिन जाके आ जाएंगे, बाकी पहले भारत को एक्सप्लोर करेंगे भाई अच्छे से पूरे। बस यहाँ पे जा रहे हैं कि यार 9-10 किलोमीटर के एरिया में अगर हम हैं तो एक बार जाके आ जाएंगे, क्योंकि एक रात तो बनता है यार दूसरे देश में, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा हो गया तो 2 रात बस, उसके बाद क्योंकि हमें नहीं पता अब क्या सस्ता क्या महंगा, तो जाके ही पता चलेगा। और खुशी सबको रखिए भाई कि भाई खुशी मतलब अलग ही है, जब नेपाल देख रहे ना इसकी खुशी बहुत भयंकर वाली यार। भाई नेपाल जाते हुए ना एक भाई का यहाँ पे, भाई आपका ही है, बगल के ही है मेरे। चलो ये तो यहाँ पर हमें ऑफर हुआ है चाय, तो भाई ने किया है, भाई जी नाम चंदन कुमार शाह, चंदन कुमार शाह थैंक यू धन्यवाद। भाई ने बड़ी तेज आवाज लगाई कि भाई रुको। मैं तो सबसे आगे था बाकी रुक गए, बढ़िया लगा यार। तो भी यहाँ पर नेपाल जा रहे थे ना, 3 किलोमीटर बचा और भाई मिल गए हैं। कहाँ से आ रहे थे भाई, स्कूल ट्यूशन से? हाँ। स्कूल हो गया, हाँ, गया। चलिए और यही है भाई काम सारा मेन, फोन निकालो सब्सक्राइब करो। तो भाई जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर है और ये जोगबनी की मार्केट है भाई, मेन रोड जोगबनी। ओ भाई नेपाल से सटे हुए गांव, क्या बात है, मजा ही आता है भाई। भाई बस पहुंचने वाले हैं और इस मार्केट में ना नेपाली भी आ रखे है, क्योंकि यार अपने यहाँ पे ना सस्ता मिलता है उधर महंगा मिलता है, तो यहाँ से लेके जाते हैं सब कुछ ज्यादातर। तो भाई एक द्वार है लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वार, और यहाँ पर जो ये चली ना इको वगैरह उनके जो प्लेट है वो लाल है, ये तो पीछे आ रही देखी नेपाल के नंबर है। तो भाई जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने तो हमें भेज दिया चेक वेक करके हमारा आधार कार्ड वगैरह, अभी जो नेपाल की आर्मी है वो चेक करेंगे। फाइनली भाई नेपाल में एंट्री हो चुका है, भाई मजा आ गया रे। ये रिक्शा को भी बोलेंगे कि नेपाली की है, साइकिल भी, साइकिल का नहीं पता किधर की है। अभी हमें पहले ना करेंसी करानी है चेंज इंडिया से नेपाल में, को रहा है। हाँ इस पे हो जाएगा यार, ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई ये है ई सेवा जहाँ पर पैसा 52-53 और ये भाई पहला इंटरनेशनल अपना करेंसी है जो अपने हाथ में है,
₹500 का ₹800, यानी कि अपने जो ₹60 होते हैं ना इंडियन, वो यहाँ के ₹100 है। अरे बेटो, एक करार नोट है, बाकी सब खदले खदले से है यार, ये देखो। अरे इतना ही बहुत है यार, इनको ही चलाएंगे पहले। क्या बोलती पब्लिक, नेपाल में एंट्री हो चुकी है भाई। ये देखो, ये था नेपाल का चेक पोस्ट, और इससे पीछे था जहाँ पर हमारा पहला वो होता ना चेकिंग होता, वो उधर इंडिया का। और अभी आगे जाएंगे विराट नगर, यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर है विराट नगर, 6-7 किलोमीटर है ना, इतना ही है। ओ भाई चलते हैं अपना पहला इंटरनेशनल। तो भाई निकल रहे हैं विराट नगर की तरफ, और स्टार्टिंग में आपको ना बस वगैरह ऑटो रिक्शा यही देखने को मिलेगा, और मार्केट वगैरह कि जो नेपाल के लोग हैं वो इंडिया में एंटर हो रहे हैं, इंडिया वाले नेपाल में, मतलब मज़ा आ रहा है यार। अभी हम यही खड़े हुए थे जहाँ पे हमने करेंसी चेंज कराई थी, क्योंकि नेट बस वहीं चलेगा, उसके बाद तो फिर नेपाल का सिम चलेगा। तो भाई यहाँ पर है विराट आँखों का अस्पताल, आँखा अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, और ये है मलाया रोड। यार नाम तो आपने जैसे आ रहे हैं अभी तक तो। वेलकम टू विराट एक्सपो 2079। बस थोड़े नंबर अलग है, आगे नंबर प्लेट, दुकानों के नाम सब अपने जैसे है। ओ मेडिकल हॉल। तो भाई यहाँ पर ना थोड़ा आगे आते हो, जैसे वो आँखों का अस्पताल था उससे आगे आते आपको होटल ही होटल देखने को मिलेंगे, और ये है यहाँ पे बस अड्डा, ये थोड़ा सा पीछे रहेगा भाई तकरीबन 50 मीटर पे। अभी एक होटल की तलाश कर रहे हैं जो कम बजट में हमारा, जैसे ये बताया भाई ने न्यू सितारा ये धमला, और एक मेरे को दिखा था ये मेट्रो सिटी होटल। ओ लॉज, लॉज तो महंगे मिलेंगे भाई, अपना कोई धर्मशाला वगैरह ही देखेंगे होटल वगैरह सस्ते वाले। तो भाई विराट नगर में ये है पेट्रोल पंप, यहाँ पे लिखा भी अलग है नेपाल ऑयल निगम, और यहाँ पर है मेट्रो सिटी होटल, इसके सामने ये एक होटल है, ये है न्यू सितारा धमाला होटल एंड लॉज। यहाँ पर बात बन गई भाई, तो अपना रुकने का यहाँ बन गया, उसके बाद सामान उतार के रख देंगे। हमें मिला ऊपर वाला रूम, जो बालकनी वगैरह मिल गई है बढ़िया से, तो सामान रख के थोड़ा आराम करके फिर घूमेंगे, साइकिलों से ही आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, पीछे तो आगे आगे जाएंगे, और कल भी शायद हो सकता है कि यहीं पर रहकर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ें नई आपको दिखाएंगे कि भाई नेपाल में विराट नगर के आसपास में क्या क्या है। साहब बहुत खराब है इनका भी। हाँ नेपाली 20 रुपए का उसने दिया बताया ना, ठीक है, हमने उसे नेपाली जगह इंडियन 20 रुपए वापस करे, उन्हें हमें नेपाली 10 रुपए वापस कर दिए। अब ये कितने का पड़ा साबुन? अब तू कह रहा था तेरे को पता लग गया, मैं बता रहा हूँ मेन कितने का पड़ा समझ। ये हमें इंडिया रुपीस के हिसाब से ₹6.25। ये भाई कपड़े उतार के आए सब बताने के, कपड़े उतार दिए कपड़े धोने साबुन के, इसको कम्बल उड़ा रहे, कम्बल उड़ा इसको। जो हमें कमरा मिला भाई उसकी बालकनी से ऐसा नज़ारा देखता है, ये उधर बस स्टैंड है विराट नगर का, और ये अपने कमरा 104 नंबर, और सामान सारा से बिखरा पड़ा जो हमने साइकिल से उतारा था। इधर एडिटिंग चल रही है, उधर भाई एक भाई का स्नान चल रहा है, डॉक्टर साहब बाहर जा चुके हैं, और इधर हूँ मैं अभी नहाएंगे, क्या नहाए भी काफ़ी दिन हो जाते हैं यार, ठंडा पानी है, वो पानी तो ठंडा है, यहाँ भी गीजर वीजर कुछ नहीं है, बस ठंडा पानी है, नहाएंगे। हाँ चलाना साइकिल, क्यों नहीं चलाना, कल नहीं चलाएंगे भाई साइकिल, कल साइकिल को रेस्ट देंगे, और रात को देखेंगे भैया की नाइट लाइफ अगर देखने को मिली तो, मार्केट वगैरह में जाएंगे रात को घूमने के लिए। थैंक यू। तो भाई अभी आए थे विराट नगर के बस स्टैंड, और भाई को करानी है ट्रिम, डॉक्टर साहब को इसके दाढ़ी इतनी सी आती है, इतनी सी उसको ही कह देता भाई बड़ी होगी कटवा लेते हैं, मतलब मेरे जितनी तो करने में सोचेंगे इनको कई साल लग जाएंगे। अभी एक ये मेन गेट है, मतलब यहाँ से एंट्री होती है, उधर से एग्जिट है। विराट नगर में जो ट्रिम कराओगे ना आप, सिर्फ ट्रिम का इंडियन रुपये लगेगा 90-100 रुपये, और नेपाली रुपये लगेगा 150 रुपये भाई सिर्फ ट्रिम का। अगर भाई जैसे किसी को कटिंग करानी पड़ गई, मतलब इंडियन 150 या 200, हाँ 500 रुपये, और जो मार्केट है ना कि विराट नगर की उसमें तो और भी महंगा है भाई, इधर इतना महंगा बस स्टैंड के हो यहाँ पे। आपका कितना लगता है? ओ भाई बनाएंगे, चले देखो भाई से बात करते हैं, क्योंकि वो बनवाते रहते हैं। आप में से दाढ़ी कौन बनवाता है? दाढ़ी कौन बनवाता आप में से? आप में से दाढ़ी कौन कटवाता है? कटवाते हो? कितना लगता है तुम्हारा? इंडियन 100 रुपये, और नेपाली का? नेपाली का लगभग 160 रुपया। सबसे सस्ती जगह कौन सी है जहाँ पे
दाढ़ी कटती होगी। सबसे सस्ती जगह यही है, यही है। और मार्केट में कितना रेट है? मार्केट में लगभग 400-500 रुपया। भाई तो भाई अभी आ चुके नहा धोकर और अंधेरा होने वाला है, तो हमने सोचा कि यार यहाँ पर ना जो नाइट की जो मार्केट है, नाइट लाइफ भी होती है यार जहाँ भी जाते हैं हम, तो उसको एक्सप्लोर हम बहुत कम करते हैं, तो यहाँ पर तो करेंगे क्योंकि भाई दूसरे देश में आए और यहाँ की मार्केट ना देखेंगे। देखेंगे मार्केट में क्या क्या चीज़ है, कितना महंगा है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलून है वो बहुत महंगा है, उसके बाद जो साबुन शैम्पू आप लेते हो खाने पीने की चीज़ें वो बहुत महंगी है। जब आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हो ना कि भाई कितने पैसे का, तो आपको इंडिया से बहुत ज़्यादा महंगा यहाँ पे आपको मिलेगा भाई। तो ये एक चौक है भाई और यहाँ से मार्केट शुरू होती है, बाकी स्कैम पूरा पूरा हमें चांस है, हो सकता है। देखते हैं भाई यहाँ की मार्केट चलिए, और मार्केट यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये है रुक जाओ आईफोन, क्या बात है, सेव दिख गया पहले ये। यार यहाँ पे जो भी मार्केट देख रहे हैं अभी हम, मतलब शोरूम टाइप है, जितनी भी दुकानें हैं सब वैसे यहाँ पे वो नहीं लगा हुआ ठेला, जैसे लगता है ना सेल वगैरह जो ठेले पे लगा रहते हैं, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे, जितना भी है सब दुकानों पे ही है, मतलब बढ़िया बढ़िया शोरूम भी है, दुकानें भी है। मैं ढूंढ रहा हूँ वो जो ठेले पे लगा रहते सेल वाले वो क्योंकि उसको चाहिए दो पजामे। तो भाई इस मार्केट में है पंचमुखी हनुमान मंदिर, पहला मंदिर दिखा यार हमें, राम दरबार ऊपर है और नीचे बैठे हनुमान जी। तो भाई ये अच्छा ये बाजार लगा हुआ है यहाँ पे, एक वो है मिनी मार्केट, एक ये है मुस्कान रेडीमेड, पूरा लंबा भाई जाएंगे देख के आएंगे यार अंदर क्या क्या मिल रहा है इसमें। तो इसमें घुसे ही थे भाई, डॉक्टर को पजामा पसंद आ गया ये पहले वाला। ये है भाई काली माता का मंदिर जो मेन मार्केट में है, और अभी और इसमें आरती। ओ भाई जय माँ काली। तो भाई अभी खा रहे गोलगप्पे नेपाल के, वो भी यहाँ का जो 30 रुपए ना उसके 6 मिलते हैं, अपने माँ का आपको देख लेना यार टेस्ट करने ले 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 भाई। भाई इस मार्केट में मतलब खाने पीने की चीज है, लेकिन जैसे दुकानें बनी ना वैसी दुकानें हैं, आपको ठेला कहीं नहीं दिखेगा, ठेला दिखेगा तो वो अंदर गली में। अभी जैसे ये है नवीन पुचका सेंटर, अभी यहीं खाए भाई, यहाँ के जो करेंसी ना मतलब 30 रुपए के हमें 6 पुचके मिले हैं, बट खतरनाक है भाई। अभी अभी आए हम सेंट्रल मॉल में, मतलब यार जैसे मॉल है वैसी भीड़ कुछ भी नहीं है। तो ये जो मार्केट है भाई अभी मैं ये क्या था ये, हाँ तो भाई अभी मॉल से घूम के आ चुके हैं, मतलब कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं था, ये मार्केट भी ऐसे कोई भीड़ भाड़ नहीं, इससे ज़्यादा जो हमने बॉर्डर क्रॉस किया था वहाँ पे जो मार्केट थी उसमें इतनी भीड़ थी, मेरे हिसाब से यहाँ के लोग उधर से ही खरीद के लिए कहते हैं। और अभी भाइयों ने खरीदा मैक्रोनी जो कि इंडियन 30 रुपये और यहाँ की करेंसी 50 रुपये में आधी किलो, बहुत है यार। तो ये है 5 रुपये और इससे नीचे वाला है 50 रुपये और नीचे वाले 100 रुपये, और खुशी मिलती है कि यार इनके 5 के नोट ऐसे है, 50 का ऐसे है, मतलब कहीं कहीं अपने से मिलते जुलते हैं। अरे ये नौ वाली। तो भाई अभी आ चुके हैं कमरे में और खाना वाना सब हो चुका है, मार्केट वगैरह सब घूम के आए हैं, मजा तो ठीक ठाक था भाई। ये कहते ना कि भारत से नेपाल में आके मतलब इंटरनेशनल ट्रिप चल रहा है यार साइकिल से, इतना यकीन नहीं था कि इधर आ जाएंगे, बाकी आ गए और खाना वाना खा के सब। तो अभी वीडियो एडिट करनी है, तो वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, राम राम।